मेरे साथ है बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के महानिरीक्षक एमएल गर्ग सर, जैसे में रहे हैं पूरे बॉर्डर बेल्ट का। उन्होंने आज सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का मुआयना किया है, देखा है, और कई प्रकार की एक्टिविटी जो है बीएसएफ की है उसको देखा है, ऑपरेशनल जो एक्टिविटी उसमें उन्होंने पूरा देख के सारा डायरेक्शन दिए हैं किस तरह जो और बेहतर सिक्योरिटी होनी चाहिए। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह की जो है सुविधाएं हो रही है। सबसे बड़ी बात करना चाहेंगे इस बार फिर राजस्थान में राजस्थान फ्रंटियर को एक बहुत बड़ी फिर जिम्मेदारी मिल रही है। पहले 2022 में जैसलमेर में बीएसएफ का रेडिंग डे, जबकि परंपरा मतलब दिल्ली में होती थी, पहली दफे जैसलमेर में हुआ 2022 में, इस बार फिर जोधपुर में हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बीएसएफ को मिली, राजस्थान फ्रंटियर को मिल रही है। तो क्या तैयारियां जो है राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ करने जा रहा है, 1 दिसंबर को ये रेजिंग डे होता है, और परंपरागत तरीके से किस तरह जो है ये सेलिब्रेशन रेजिंग डे का होगा। संभावना ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ सकते हैं, वो पक्का प्रोग्राम है, इस प्रकार की ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन बीएसएफ जो है मान लेती है कि हो सकता है वो आए, तो उसकी भी तैयारियां हो रही है। तो सर से बात करेंगे किस तरह की जो है रेजिंग डे फिर इस बार राजस्थान को में हो रहा है और बीएसएफ को फिर राजस्थान फ्रंटियर को जिम्मेदारी मिली, सर क्या कहना चाहेंगे किस तरह की तैयारी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार एक बार फिर से राजस्थान फ्रंटियर को बीएसएफ रेजिंग डे ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी मिली है, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है, और इसके लिए बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है। इस फंक्शन में लगभग 2000 लोग शामिल होंगे, जो इसमें जोधपुर में जिसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये राजस्थान फ्रंटियर के लिए बहुत गर्व की बात है कि दूसरी बार राजस्थान फ्रंटियर को ये मौका मिला है। जब से ये फैसला हुआ कि रेजिंग डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला था कि इसको रेजिंग डे को बाहर मनाया जाए बजाय दिल्ली के, उसमें श्रृंखला में सबसे पहले जैसलमेर में हुआ था, उसके बाद में अमृतसर में हुआ, फिर हजारीबाग में हुआ, और अभी चौथा जो है ये फिर से जोधपुर में हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है और इसकी बहुत सारी तैयारियां चल रही है, हम उस पर काम कर रहे हैं। किस तरह की अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, मतलब किस प्रकार की तैयारियां चली है, और क्या क्या मतलब इवेंट हो सकते हैं जिसकी तैयारी आप? मेन तो परेड है, मेन तो बीएसएफ डे परेड होती है। उस परेड के अंदर अलग अलग कॉन्टिजेंट्स हैं, सारे हर एक फ्रंटियर का एक कॉन्टिजेंट होता है। इसके अलावा हमारे डॉग्स का एक अलग से स्क्वाड होता है, कैमल बैंड होता है, कैमल कॉन्टिजेंट होता है, महिलाओं का एक अलग सेपरेट कॉन्टिजेंट होता है। तो इस तरीके से सभी लोग इसमें होते हैं, टैबलूज होते हैं, तो काफ़ी बड़ा ग्रैंड फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है। जो प्रेस्टीजियस परेड होती है उसमें लास्ट 2022 में योगेंद्र राठौड़ सर, जो भी सेक्टर नॉर्थ में डीआईजी, उन्होंने इसका लीडरशिप की थी, नेतृत्व किया था। इस बार पॉसिबिलिटी फिर राजस्थान को मिलेगी नेतृत्व का? परेड कमांडर तो नहीं होंगे, लेकिन योगेंद्र सिंह राठौर जो हमारे डीआईजी नॉर्थ हैं, सेक्टर जैसलमेर नॉर्थ के डीआईजी हैं, वो बीएसएफ के सबसे अनुभवी अधिकारी है, जिन्होंने लगभग 29 अलग अलग लेवल की परेड में हिस्सा लिया है एज परेड कमांडर या उससे डायरेक्टली एसोसिएट रहे कंडक्ट करवाने में। तो हमने इस बार भी जिम्मेदारी उन्हीं को दी है ताकि वो इसको हर चीज़ को ढंग से ऑर्गेनाइज कर सके, और इसकी पूरी रूपरेखा हमने बना ली है और सारे काम ग्राउंड पे चालू हो गए। लास्ट टाइम चीफ गेस्ट अमित शाह जैसलमेर आए थे, इस बार क्या पॉसिबिलिटी फिर अमित शाह के आने की संभावना है क्या? हालांकि कोई पक्का प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो निश्चित रूप से मान के चलते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी आएंगे यहाँ पे, क्योंकि उनकी फोर्स है, और अनलेस कोई बहुत प्रेसिंग सर्कमस्टेंसेस हो या नेशनल लेवल पे कोई दूसरे इवेंट्स हो, तो हम उनको पूरी तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएंगे। सबसे बड़ी बात एक बीएसएफ जो है बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ सोशल एक्टिविटी और पर्यावरण जो सुरक्षा है उसमें भी कई अपनी बेहतरीन भूमिका निभा रही है, कई अनूठे कार्य कर रही है, पेड़ लगा रही है, हरा भरा पूरे जो पूरा डेजर्ट है उसको हरा भरा करने में जुटी हुई है, खासकर सीमा चौकी के आसपास भी सघन वृक्षारोपण हुआ है। तो इस बार लेटेस्ट क्या हुआ? विमल जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि राजस्थान फ्रंटियर ने इस बार बहुत बड़ा काम किया है, पूरे राजस्थान की सीमा पर और अपने हेडक्वार्टर्स में, इसके अलावा हेडक्वार्टर्स के अलावा जो जितने बॉर्डर के गांव हैं उन गांवों में भी हमने 4 लाख पौधे लगाए हैं अभी तक पूरे राजस्थान में। और इस बार कुदरत ने भी हमारा साथ दिया है कि बारिश की वजह से हमारा मोर देन 90% सर्वाइवल है पौधों का। तो 4 लाख पौधे जो हमने लगाए हैं वो एक बड़ा अचीवमेंट है, अकेले बीएसएफ ने अपने दम पे
उसमें गांव वालों को भी शामिल किया है, बॉर्डर पॉपुलेशन को भी शामिल किया है। इसके लिए हमने कई सारी नर्सरीज बनाई प्लान करके, और वहां से हमने गांव वालों को भी पेड़ पौधे दिए, उनसे लगवाए और खुद भी लगाए, और लोगों में एक अवेयरनेस भी लाए, ताकि एनवायरनमेंट के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, प्रकृति के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, उसको भी हम उसी शिद्दत के साथ पूरा कर सकें। तो ये सब जो है पूरे रेगिस्तान में नखलिस्तान एक करने जा रही है। जी बिल्कुल, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी भी है और इसके लिए हम पूरी तरह सजग है। इनफैक्ट आप नोटिस करेंगे कि BSF जहाँ पे होती है वहाँ पे पेड़ पौधों की रक्षा खुद ब खुद होती है, क्योंकि हम ना तो किसी को पेड़ काटने देते हैं, ना हम किसी को जानवर मारने देते हैं, और ना ही हम किसी तरह का वहाँ पे कोई ऐसी गैर कानूनी एक्टिविटी को अलाउ करते हैं जिससे कि पर्यावरण का नुकसान हो किसी भी तरीके। तो इसके लिए BSF बहुत सजग है और बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत तरीके से काम करती है। BSF में अभी काफी महिला सशक्तिकरण में भी जबरदस्त काम हो रहा है, और BSF में कई महिलाएं जो है लगातार भर्ती हो रही है, और लगातार बॉर्डर, खासकर बॉर्डर में पहुंची भी है, बॉर्डर गार्डिंग में पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला के हिस्सा ले रही है। ये भी बहुत बड़ी मिसाल है पूरे सबके लिए कि आज BSF जो है देश की सीमाओं की रक्षा में जुटी हुई है। एक एक अनूठी BOP जो है, पहली BOP महिला की, वो जैसलमेर में उसके लिए प्रायोगिक रूप से स्थापित की गई, इसके बारे में थोड़ा सा। BSF में महिलाओं को हमारे जब इंडक्ट किया गया था तो शायद ऐसा लगा था कि इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन महिलाओं ने जिस तरीके से, हमारी जो महिला कॉन्स्टेबल्स हैं, गर्ल्स हैं हमारी, उन्होंने जिस बहादुरी के साथ यहाँ पे काम किया है और अपने आप को अडप्ट किया है, यहाँ पे बॉर्डर की सिचुएशन बहुत टफ होती है, उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को ना सिर्फ एडजस्ट किया है बल्कि उन्होंने बेहतरीन ड्यूटी करी है, और इसी श्रृंखला में कंधे से कंधे मिलाने से आगे बढ़ गए हैं। उनके इंडिपेंडेंट BOPs हैं जिसको महिलाएं मैन कर रही है पूरी तरह से, और वहाँ की सारी ड्यूटीज को महिलाएं कर रही है बहुत अच्छे तरीके से। उसमें कोई मतलब एक नया एग्जाम्पल है ये महिला सशक्तिकरण का, महिलाएं बहुत बेहतर काम कर रही है। तो मतलब ये जो प्रायोगिक सफल भी रहे तो इसको और भी जगह अडॉप्ट करेंगे, और सेक्टर में और जगह भी। हमने किया है, लगभग हर एक बटालियन में हमने एक एक BOP महिला BOP बनाई है, तो ऑलमोस्ट 15 BOPs हमने बना दी है ऑलरेडी, जहाँ पे कि महिलाएं सारा काम कर रही है, और वो मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस के साथ काम कर रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि हमारे सिस्टम ऐसा है कि हमारे सिस्टम में हर लेवल पे सुपरविजन है, वो डेफिनेटली होता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली BOP देना ये एक नई पहल है और एक बहुत अच्छी पहल है। सबसे बड़ी मैं आपको बात, जो ऊँट जो है BSF का सत्ता जाती है, अब कुत्ते भी जो है वो भी BSF के साथ बॉर्डर गार्डिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि सीमा पार से ड्रोन के जरिए काफी हीरोइंस डंप करने के मामले आते रहते हैं, तो उनको ढूंढ के निकालना करना, तो ये कुत्ते की किस तरह जो है BSF में जवानों के साथ मतलब एक ड्यूटी में काम देंगे, किस तरह जो है उनकी ट्रेनिंग हो रही है। BSF में डॉग्स की ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे पास NTCD है, नेशनल डॉग ट्रेनिंग स्कूल है टेकनपुर में। उसके अलावा हम यहाँ पे बीकानेर में भी हम अपने डॉग्स को ट्रेन कर रहे हैं, मेनली इस बॉर्डर की गार्डिंग के अंदर स्निफर डॉग्स कर रहे हैं, जो किस तरह की ड्रग्स या कोई और सामान जो लोगों ने छिपाया है उसको ढूंढने के लिए। तो डॉग्स हमेशा BSF की बॉर्डर गार्डिंग का हिस्सा रहे हैं, और डॉग्स ने BSF में रहते हुए बहुत अच्छा रोल अदा किया है, तो उसी को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया है और यहाँ पे डॉग्स को ट्रेन भी करना शुरू किया है, तो वो एक एडिशनल फोर्स अवेलेबल होगी हमारे जवानों के पास। अभी कितने डॉग्स की ट्रेनिंग हो रही है, कुछ थोड़ा बहुत आइडियाज बता सकते हैं, किस टाइप की, किस नस्ल के डॉग्स? अभी 100+ डॉग्स की ट्रेनिंग अभी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें लोकल नस्लें भी है, मेनली लोकल नस्लों को हम प्रेफर कर रहे हैं, जो कि हमारा एक एम था कि अपने लोकल जो नस्लें उनको प्रमोट किया जाए, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। रामपुर हाउंड हो गए, 2-3 नस्लें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जर्मन शेफर्ड हमारे पास, हम पहले से ट्रेन कर रहे हैं, और जर्मन शेफर्ड भी बहुत अच्छे गार्ड डॉग्स हैं, और ये यही है मेनली जो नस्लें जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऊँट में भी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, महिलाएं खासकर ऊँट पे बैठे, उसकी भी अभी हाल ही में ट्रेनिंग खत्म हुई। हाँ, ये हमने महिलाओं को इसमें ट्रेन किया है, हमारी एक अभी रिसेंटली अभी 30 महिलाओं की ट्रेनिंग कम्प्लीट हुई है,
जोधपुर एसटीसी में करवाई गई थी, तो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से ऊंट को चलाना, उसके तमाम इस्तेमाल, पेट्रोलिंग, तमाम काम सीखे उन्होंने, और बहुत कॉन्फिडेंटली वो, अब मैंने जब उनसे, मैं इनके क्लोजिंग इनकी सेरेमनी में गया था, तो उन्होंने बताया मुझे, मैंने पूछा उनसे कि क्या तुम इंडिपेंडेंटली एक अपने इसको ऊँट को लेकर के जा सकती हैं, तो उन्होंने बोला कि हम जा सकते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऊँट को हर तरह से वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। एक अंतिम बात कर दूंगा, अभी ड्रोन का काफ़ी जो है वो मूवमेंट बढ़ता है, काफ़ी हो रही है, टेक्नोलॉजी किस तरह भी सब अपनी को मजबूत मानती है, ड्रोन की जो सीमा पार से गतिविधियाँ चलती है, ड्रग्स आते हैं, हथियार भी आ सकते हैं, तो किस तरह उसको, मतलब एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की बात है, या और किस तकनीक के जरिए इसको आप ये जो है सीमा पार की नापा करते हो वो निष्ठाभूत। ड्रोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इस इलाके में नहीं है, बट जो पंजाब से लगा हुआ इलाका है गंगानगर का, वहाँ पे कुछ घटनाएं हुई हैं जिसमें वो आए हैं, लेकिन हम उसके लिए सजग हैं पूरी तरह से, हमने उसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए हैं, हमने उसके अलावा भी बहुत सारे एंटी ड्रोन मेजर्स लिए हैं, और उसके ऊपर हम पुलिस और बाकी एजेंसीज के साथ में भी कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करते हैं, तो हम उसके लिए पूरी तरह सजग हैं और हम उसको इफेक्टिवली डील कर रहे हैं। और इसके अलावा फेंसिंग, जैसे हमारी कई जगह पर स्मार्ट फेंसिंग को रिप्लेस कर रहे हैं, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल फेंसिंग है जो पुरानी हो चुकी है उसको हटा करके नई फेंसिंग लगा रहे हैं, जो स्मार्ट डिजाइन है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्मार्ट फेंसिंग का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा होगा राजस्थान पूरे में, चल रहा है और जगह भी चल रहा होगा? हाँ, लगभग पूरी बीएसएफ में ही चल रहा है अभी, मेनली राजस्थान में भी हमने, हमारा गंगानगर में हमने शुरू किया है, तो वो जल्दी हम उसको पूरा करेंगे, तो इस तरीके से धीरे धीरे सब जगह पे ही होगा। जैसलमेर के सागरवल का जो सिंगल फेंसिंग है उसमें भी सिक्योरिटी काफ़ी मजबूत होगी स्मार्ट फेंसिंग? हाँ बिल्कुल होगी, उसमें निश्चित रूप से होगी, जो भी एरियाज हमारे सेंसिटिव है, जो भी जो एरियाज हमारे वल्नरेबल है, उनको हम खास तौर पे स्ट्रेंथन करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द फेंसिंग ऑल्सो बाकी कई चीज़ें उसमें शामिल होती है, सर्वेलेंस है उसकी, उसके ऊपर 24 घंटे की सर्वेलेंस हम माउंट करते हैं। ये थे बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी एमएल गर्ग सर, जो बता रहे थे बीएसएफ हर तरह से मजबूत है, सीमा पार की किसी भी नापाक हरकत को निष्प्रभूत करने के लिए बीएसएफ पूरी तरह सक्षम है, और खासकर जो ड्रोन से अभी हीरोइन की कंसाइनमेंट या कुछ नापाक गतिविधियों को ये सीमा पार से अंजाम दिया जा रहा है, बीएसएफ ने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए हैं और भी कई तकनीकी संसाधनों के जरिए इस निष्प्रभूत की जा रही ऐसी नापाक हरकतों को, इसके अलावा जो है ड्रोन के जो एक्टिविटी ड्रोन की होती है उसको भी पूरी तरह विफल करने के लिए पूरी तरह बीएसएफ अलर्ट है और चौकस है, और खासकर मैं बोलता हूँ स्मार्ट फेंसिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, और कुत्तों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जो स्नैपर डॉग है जैसे हीरोइन गिराई ड्रोन के जरिए उसको ढूंढना है करना है, तो बीएसएफ जो है एक ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में भी जो है उसको भी स्थापित किया है, तो इस तरह बीएसएफ हर तरह से मुस्तैद व चौकस निगाहों से सीमा पार में बुलंद हौसलों से देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है, किसी भी नापाक हरकत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद व तैयार है। विमल भाटिया, जैसलमेर।